Assalamualaikum guys, welcome back to another video of Alpha Master. In today's video, I'm gonna play with Dragonite. I'm gonna show you actually a gameplay of Dragonite, which is gonna be very, very awesome. So stick around and have a look how you play Outrage Dragonite, because I'm having so much fun and I think that Dragonite is meta. Lots of people saying that Dragonite is not a suitable all-rounders into the ranked matches right now, but I'm just gonna prove them all wrong in this match. ये मैच में मैं खेल रहा था और ये मैच में जो चीज़ें होने वाली हैं वो बहुत ही घातक हैं, तो इस मैच में हमारा कमबैक देखने वाला होगा क्योंकि ड्रैगनाइट की भाई भड़मार है आउटरेज की। आई एम रियली अ फैन ऑफ ड्रैगनाइट, ओ माई ओन ड्रैगनाइट। खैर बिल्ड मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा था वो थी रेजर क्लो, उसके साथ वीकनेस पॉलिसी और मसल मैन। वीकनेस पॉलिसी जाहिर है जब आप आउटरेज यूज़ करते हैं यहाँ पर भी डैमेज हो रहा होता है, तो उस हिसाब से आपका डैमेज इंक्रीज भी होता है। और रेजर क्लो कि जब भी मैं आउटरेज यूज़ करूँगा और एक्सट्रीम स्पीड, तो उनकी मूवमेंट स्पीड स्लो होगी और नेक्स्ट बेसिक अटैक में और भी डैमेज एड ऑन होगा। सो दैट इज़ व्हाई आई एम यूजिंग रेजर क्लो। और साथ मसल बैंड आपको पता है एक्स्ट्रा 3% अटैक के लिए, और अटैक इंक्रीज वैसे भी वो करता है, इसके साथ अटैक स्पीड भी। और जो एम्बलम्स है मेरे वो इसमें देखने वाले हैं, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आपके सामने अटैक स्पीड के, ठीक है, अटैक स्पीड और एच पी और ब्राउन के। आप ये कर सकते हैं कि बिल्ड थोड़ी चेंज कर सकते हैं, यानी कि मसल बैंड और साथ ही रेड स्काफ और फिर रेजर क्लॉ या वीकनेस पॉलिसी, इसकी बहुत वर्सेटाइल बिल्ड है, आप जो उनसे मर्जी खेल सकते हैं ऑलमोस्ट। तो मैंने सारी बिल्ड ट्राई की हुई हैं फिलहाल, अभी ये कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप हेल्ड आइटम रखते हैं रेड स्काफ और मसल बैंड, तो फिर आपको अटैकिंग सिंपली ब्राउन और वाइट एम्बलम रखने पड़ेंगे, तो उसमें इतना मसला नहीं। लेकिन यहाँ पर हमारे जो गोल है, इन्होंने यहाँ पर फुल ऑन अटैक किया है, लेकिन हमने अच्छी तरह अपना गोल जो है डिफेंड कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर मिमिकियो की भी मौत होगी मेरे हाथों बिल्कुल। स्टार्टिंग से ये लीड में आ रहे हैं, तो इनको ज़रा संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फाइनली हमने इसको किल किया तो स्कोर करेंगे। तो इतनी देर में मैं तकरीबन 7 मिनट में इवॉल्व हो चुका हूँ ड्रैगनाइट में, और जब वंस यू आर इवॉल्व्ड इनटू ड्रैगनाइट देयर इज नो वन स्टॉपिंग यू एक्चुअली। तो यहाँ पे चाहते हैं ओपर, क्योंकि ओपर वाला ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी है। आई विल गो टॉप टू सिक्योर द ऑब्जेक्टिव। और मैं अभी इंग्लिश कभी उर्दू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद आज तक समझ नहीं आई कि मैं उर्दू बोलूँ या इंग्लिश बोलूँ, बिकॉज लॉट्स ऑफ ऑडियंस इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड लॉट्स ऑफ ऑडियंस आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, सो दैट इज़ वाई आई सडनली स्विच टू इंग्लिश और उर्दू व्हेनेवर आई वांट। खैर जहाँ पर मैंने लैंड किया था वेबसोल के ऊपर, लेकिन मिस हो गया और यहाँ पर मेरी भी गेम बजा दी उन्होंने। खैर यहाँ पे मिमिक्यू हमारा जो ट्रिक रूम वाला खेल रहा है और दगा दगा के वो पुश कर रहे हैं, यहाँ पे टीम हमारी यहाँ पे डिफेंड करेगी, और अच्छा डिफेंड कर लिया ऑलरेडी। साथ ही मैं अभी जिंदा हो चुका हूँ दोबारा से, तो मैं भी जाऊँगा अभी डिफेंड करने, लेकिन मुझे लग रहा था कि हमारी टीम ने ऑलरेडी हैंग ऑन कर लिया है, तो मैं गया हूँ स्टेट ऑन फार्म के लिए। यही आपने देखना कि आपकी टीम अगर डिफेंड कर ली सक्सेसफुली और कोई प्रेशर नहीं है ऊपर वॉगी मुझ का, तो आप थोड़ा सा अगर फार्म मिलता है जंगल का तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो कर लिया करें। अभी यहाँ पे मंदिर इसलिए आउटरेज लगा के घुस नहीं रहा था क्योंकि ये दो थे और इनको मैं थोड़ा सा आगे लाना चाहता था, इसलिए मैंने अब आगे ला के इनको अब घुसा हूँ इनके अंदर। सो यू कैन सी ये थोड़ी स्ट्रेटजी होती है जिसको आपने फॉलो करना होता है, उनको अपने गोजोन में ले गया, लेकिन यहाँ पे उसने मुझे पकड़ लिया वो डेल्ट के साथ। हमारा टीम मेंबर का फुल सपोर्ट आ चुका है, और यहाँ पर यह फ़ायदा हुआ कि मैं अपने गोजोन में था तो मेरी एच पी भी बची रही है थोड़ी सी। तो अगर दो या तीन मेम्बर हों वहाँ पर किल कर रहे हों, तो यू शुड ड्रैग देम टू योर ओन गोजोन एंड देन अटैक ऑन देम, बिकॉज अगर आप उनके गोल जोन पर अटैक करेंगे तो तीसरे बंदे के आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं उनकी तरफ से। सो दैट इज़ वाई आई ड्रैग दम डाउन, बट यहाँ पर यूनाइटेड मैंने यूज़ किया सरों पे आया उनके, और मेरी टीम भी यहाँ पे आगे सपोर्ट करने के लिए नाइन टेल्स। सैडली आई वॉज वेरी लो, और यहाँ पे यूनाइटेड में यूज़ कर लिया मैं मिक्यू ने, सो दैट इज़ वाई आई एम डेथ हियर, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन यहाँ पे सारे आप स्टैट्स वगैरह देख सकते हो कि कितने किसने किल किए हैं और ये अवार्ड। नाइन टेल्स ने अच्छा यहाँ पे ब्लिजर्ड लगाया, और साथ ही अच्छा स्पीड से हमारा चल रहा है टैलेंट फ्लेम भी, लेकिन खैर उसकी भी गेम बच गई है। नाइट इज वेरी लो देयर, बट थिंक वी विल स्टिल हैव सम डोमिनेंस एट द बॉटम ऑब्जेक्टिव, वी स्टिल हैज अपर हैंड, सो दे विल बी अपोजिंग टीम विल बी रिलक्टेंट टू कम बिकॉज देयर ओनली वन पर्सन इज देयर व्हिच इज स्लो ब्रो। स्लो ब्रो ऑलरेडी मौजूद है, मुझे आइडिया है कि वो वहीं पे मौजूद था, इसलिए मैंने स्लो ब्रो के पीछे गया एक्सट्रीम स्पीड लगा के, और खैर मैंने सिक्योर भी कर लिया स्लो ब्रो को भी, साथ ही सिक्योर किया मैंने 9 टेल्स ने बेसिकली रेजी रॉक को। अब तुम कहाँ जा रहे हो,
वही एक बंदा आपको नजर आ जाए तो उसको छोड़ने का नहीं, क्योंकि 1v1 ड्रैगनाइट कैन विन फ्रॉम एनीवन, फ्रॉम एनी एनीवन। सो 1v1 के लिए बस इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एक्चुअली। क्रिस्टल एज डिफेंडर को उतना किल करने में टाइम लग जाता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। खैर मैं यहाँ पे स्कोर करना चाह रहा था क्योंकि हमारी टीम ने ऊपर ऑलरेडी सिक्योर कर लिया, मैं नीचे से थोड़ा प्रेशर डालना चाहता और मैं यहाँ पे स्कोर कर रहा हूँ, देखता हूँ कर पाता हूँ या नहीं। ओह नो, स्लो ब्रो जस्ट मिडल में आ गया यार, लेकिन हमारी टीम ऑलरेडी ऊपर पुश कर रही है और कनेक्ट भी हो गया, तो मैं बस यहाँ पे प्रेशर डाल रहा हूँ कि वो गोल कर लें यहाँ पे। और पता नहीं मेरा भी यहाँ पे मूड नहीं था गोल करने का, इवन दो मैं जा सकता था, लेकिन हमारी टीम के पास ऑलरेडी गोल्स मौजूद थे तो मैं नहीं गया और उन्होंने स्कोर कर दिया ऑलरेडी। सो लेट्स सी इफ आई कैन स्कोर नाउ, नो नॉट पॉसिबल, आई हैव टू गो बैक एक्चुअली। लेकिन जहाँ पे जो घात लगाई थी ना एब्सोल ने, वो मुझे ले गई है यहाँ पे। स्टिल अब फाइनल स्टेज के बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं और उनकी टीम जो है अभी पीछे है हमसे, हमने गोल्स अचीव कर लिए हैं। क्लियरली मिले यहाँ पे लेवल 14 होना मुश्किल तो बहुत था, लेकिन आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट टू गेट एज क्लोज टू लेवल 14। लेकिन यहाँ पे ट्रिक रूम के साथ हमें मिल गया है, मिमिक क्यू साथ थोड़ा गोल में रोक नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं टूट पा रहा हूँ, इनको मैं लेके छोड़ूंगा अब, देयर इज नो वन स्टॉपिंग मी हियर। और ये अजीब सी मूवमेंट करें कभी आगे कभी पीछे नहीं, राइट मूव यूज कर लिया, अब यहाँ पे मिरांडा हो जाएगा बिल्कुल डेफिनेटली बिकॉज, और शील्ड भी उनको मिल चुकी है विच इज़ वेरी बैड आई थिंक। लेकिन अब यहाँ पे आपको हौसला हारना नहीं चाहिए क्योंकि बिकॉज इट्स अ लॉट्स ऑफ टाइम नाउ, एम्ब्रियन इज गोइंग फॉर द गोल फ्रॉम आवर साइड, मिमिक क्यू इज कमिंग हियर एंड बट स्टिल लॉट्स ऑफ गोल्स, ऑलरेडी गोल्स पड़ चुके हैं बहुत ज़्यादा और हम लीड में नहीं हैं, हमें इनमें से किसी एक दो को पकड़ना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे एक बार फिर से लाइव हो चुका हूँ तो देखती हूँ किसी को मैं कैच कर, अगर भाई नहीं म्यूटू को कैच नहीं कर पाया। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो क्रिस्टल, दोबारा तुम्हारी की मौत मेरे हाथों में होगी इंशाल्लाह, तुम मेरे हाथों से ही मरोगे अब। भाई हमारी टीम खुल के टूट पाई, क्रिस्टल को हमने टेक डाउन कर लिया, अभी भी हमारे पास एक मिनट है, गोल्स भी कुछ हैं तो आई थिंक हमें पुश ऑन करना चाहिए, हम यहाँ पे कर सकते हैं। म्यूटू भी वहाँ मौजूद है, म्यूटू को पकड़ने के लिए हमारी टीम वहाँ गई है और म्यूटू को किल कर देंगे, और किल हो गया तो भाई दो बंदे डाउन है उनके ऑलरेडी, सो इट्स गुड चांस फॉर अस, लेट्स गो गाइस। और एम्ब्रॉयड भी हमारी यहाँ पे ले आई है पूरे बंदों को साथ, और ये ड्रैग किया और अच्छा यहाँ पे मिमिक्यू को पकड़ लिया, मिमिक्यू भी इज आउट ऑफ द गेम, इज आउट ऑफ द इक्वेशन, आई थिंक दिस इज द गेम फॉर अस। ओह नो यूनाइटेड मूव, आई विल बी केयरफुल हियर, आई डोंट वॉन्ट टू गेट डाइड, आई जस्ट वॉन्ट टू किल देम। अच्छा डैमेज इस बार, एक बार फिर से क्रिस्टल को मैंने किल कर लिया, टू टाइम्स एक्चुअली किल कर लिया क्रिस्टल को, और गोल, नाइस गोल, लेकिन मैं नहीं कर पाया, लेकिन खैर मैं भी करके ही रहूँगा गोल। अभी यहाँ पे मेन गोल पे आ चुके हैं, बिल्कुल क्लोज टाइम है, अल्ट गया सरों पे, और यहाँ पे डैमेज फुल ऑन है, स्कोर जा रही है, मैं भी कर पाऊंगा, यस इट्स अ गोल, 78 बिग गोल। और हमने यहाँ पे गेम का पासा जो है पलट दिया है, ऑलमोस्ट मुझे शक था और वही हुआ, हमने जो गेम है वो हरा दी। सो दैट वॉज अ गेम, नेवर गिव अप, आई होप यू एंजॉय द गेम, अंटिल नेक्स्ट टाइम इट्स गुड बाय फॉर नाउ।